ऐसे हवेली से बाहर नहीं फेंक सकते। आपने मन में वचन दिया था ना कि जब तक मैं चाहूंगी तब तक आप उन्हें पढ़ाओगे। और गौरवत परिवार का बेटा अपना वचन कैसे तोड़ सके? और कोई तरीका नहीं सोचा? ये तरीका निकाला तुमने इस घर में रहने का? मुझे मेरा वचन याद दिला रही हो तुम? सही कहा तुमने, नहीं तोड़ सकता मैं अपना वचन। बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक हॉस्टल ढूंढ दूंगा। तुम जब तक पढ़ना चाहोगी पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। तुम चाहोगी तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने लायक तक कर दूंगा मैं। तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा मैं, पर इसलिए नहीं कि बदले में मुझे तुमसे कोई स्वार्थ चाहिए, इसलिए मुझे अपना वचन निभाना है, इसलिए कि मेरे गांव की कोई लड़की आगे बढ़ेगी। और जब तक उसका इंतजाम नहीं हो जाता, रह लो यहां। काश, काश मैं आपको बता पाती कि मने भी अपने लिए कुछ ना चाहिए। मारा सुहाग सही सलामत रहे बस। अब मने इस हवेली में रहने की वजह मिल गई है। अब मने किसी भी तरह अनुषा के चंगुल से खोरसा को बचाना होगा। जो भी किया बिल्कुल सही किया। जो इस दहेज दासी को उसकी सजा दी थी। कर्मारे को भी पता होगा ना कि जे धोखेबाज अपने मालिक के थाल में छेद करने वाली है तो उसे अपने हवेली में कभी घुसने ही ना देती। तू दासना, तूने बिल्कुल सही किया। जी सा, जे दहेज दासी तो फिर से वापस आ गए बड़ी बेसरमी। कितनी ठेठ है तो घर से बाहर निकाल दिया फिर भी अंदर खुशी आई। सारी इतनी जो मारे बेटे के ऊपर गंदी नजर डाल रही थी तू दहेज दासी। छोड़ दीजिए उसे मासा। ये दहेज दासी अपना धर्म भूल गई है, पर मैं अपना धर्म जरूर निभाऊंगा। ऐसे पढ़ाने का वचन दिया है मैंने। जब तक उस वचन को पूरा नहीं कर देता बस तब तक बर्दाश्त कर रहा हूं मैं इसे। सारा खेल अच्छे से समझ सको दहेज दासी। और सुना ना कि कहा जाए कि वचन पूरा होने तक ही तुम्हारी हवेली में रहेंगे, उसके बाद नहीं। जितने वहम पालने हैं ना पाल ले, पर इस गलत फहमी में मत रहना कि तू कभी भी मारे घर की बेंदनी बन सके।
तुम्हें दोस्त समझा था और तुम दोस्त से ज्यादा। दोस्ती जाने मेरी फीलिंग से क्यों खेला चुन रही, क्यों धोखा दिया मुझे? आज मुझे समझ में आया कि तुम एक स्वार्थी और लालची लड़की हो। मैं तुम जैसी लड़की को एक सेकंड और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तो आपके सिवा कोई उम्मीद ना बची है हमारे पास माता जी महाराज। अब तो आप ही सच को उजागर कीजिए कि मैं कौन सा की भी नहीं हूं, इस परिवार की बहू हूं मैं। खम्मा घड़ी, घड़ी खम्मा, वेदिका जी की कार जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहाँ पर उनका ये फोन और ये गहने मिले हैं। भाभी से चलता हूँ। वेदिका जीजा का वीडियो मारे वास्ते? सुन रही, मुझे नहीं पता मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर ले ताकि मुझे कोई बता सको कि उसकी असली पिता तू है। दोस्त, भारी जगह भारी के पूरे रिवाज के इस बात तुम दोनों का ब्याह हुआ है। ये सच है आपकी असली बेटी चुनरी है। माता जी महाराज, आपने मारी अरज सुन ली, इतना बड़ा सच मारे हाथों में ला दिया, इतना बड़ा सबूत मैंने दे दिया। कब हो रही है मेरी और जय की शादी? आवाज नीचे छोड़ी, आज फैसला थारे पक्ष में लिया है, इसका जे मतलब ना है कि तुम्हारे को लाचार समझे। लाचार नहीं, होशियार करने आई हूँ आंटी जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो दही सासी बहुत ही शातिर है, आज मैंने उसे इस घर से और जय की जिंदगी से निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, पर पता नहीं वो कहाँ से कौन सा वचन उठा के ले आई, फिर से जय की उंगली पकड़ के इस घर में वापस आ गई है। इससे पहले कि वो जय के कमरे तक घुस जाए, आप ये शादी करवा के उसकी उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। तैयारी शुरू कर दो, कल ही जय और थारा ब्याह होगा। सुबह हल्दी, फिर मेहंदी और रात को ब्याह। थैंक यू सो मच आंटी जी, आई लव यू। अपनी हद में रहे और ब्याह के बाद भी हमारे संग अपनी मर्यादा कभी ना भूलना। सॉरी आंटी जी। कल के कल ही जय और अनुषा का ब्याह करवाना होगा। वो दहेज दासी अपने और जय के ब्याह का कोई सबूत कोई गवाना नहीं आए। थैंक यू वेदिका जीजा, आपने जाते जाते भी अपनी प्रॉमिसिंग निभा गई। इस वीडियो में वेदिका जीजा ने साफ साफ कहा कि मारे और कुंवर सा का ब्याह हुआ है, मैं कुंवर सा की बीनी हूं। अब बस कुर्सा को ये वीडियो दिखाने की देरी है, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। अब कुर्सा कोई और सबूत मांगे बिना इस वीडियो पर भरोसा कर लेंगे। फिर
अनुषा से ब्याह ना करेंगे। वेदिका भी मरते मरते सबूत छोड़ गई। ये वीडियो जय तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना इस दो कौड़ी की दहेज दासी को उसे अपनी बिंदनी बनानी होगी। आज इसकी जान लेने के लिए हमारा सच सबके सामने आ जाए तो भी मने मंजूर। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दहेज दासी को अपने घर की बिंदनी कभी ना बनाऊंगी। हवेली में बिंदनी बनने की जरूरत की है और इस गलती की तारे को ऐसी सजा दूंगी कि मौत से भी पहले 100 दफा मरेगी तू। मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं आपसे प्यार करती हूँ गौर सा। जिस देवता के बारे में आप हमारे से बार बार पूछते थे ना कि कौन है वो जिसके नाम के थ्रू आपकी निशानियां मैं लगाती हूँ, वो आप है गौर। कुंवर साहब, आप हमारे बारे में ही सोच रहे हैं ना? तुम यहां क्या कर रही हो? मना किया था ना मैंने कि मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। वाह कुंवर साहब, गलती आप कर रहे हो और डांट मने रहे हो। मैं चुनरी नहीं हूं, चुनरी की परछाई। मतलब आपकी सोच वाली चुनरी। अब आप याद कर रहे थे तो मैं चली आई, आप याद करना बंद कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। गलती मेरी थी, गलत तुमने किया, रिश्तों का अपमान तुमने किया, दोस्ती को गलत नजर से तुमने देखा, गलत मैंने किया। क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने देखा वो सच था कुंवर सा? जो भी आपने सुना वो सच था कुंवर सा? आपने तो सफाई का एक भी मौका दिए बिना ही सजा सुना दी आज। क्या आपको लगता है कि आपकी दोस्त ऐसा करेगी? अक्सर हम जो देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता कौन सा। एक बार
सब कुछ भूलकर अपने दिल से पूछिए, सच्चे मन से पूछो तो दिल कभी झूठ नहीं बोलता कुंवर सर। देखा सुना वही सही है, मुझे नहीं सोचना उसके बारे में कुछ भी, जो गलत है वो गलत है बस। वेदिका भाभी के फोन से मैसेज, पर उनके फोन से कैसे मैसेज आ सकते हैं? वेदिका भाभी साह की जगह चुनरी ने मेरे साथ साथ फेरे लिए थे। चुनरी मेरी पत्नी है, दर्द को शुरू से महसूस कर पाएगी तू जब मिर्च और नमक के बीच एक एक सेकंड में थारा दम घुटता चला जाएगा। जीते जी तो यहाँ से बाहर ना पाएगी तू। सरप्राइज, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मेरी मासा से बात हो गई और कल हमारी शादी है। अनुषा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। What? शादी नहीं कर सकते? क्यों? कि अनुषा, यह धर्म होगा, पाप होगा। मैं शादीशुदा हूं। शादीशुदा? पर तुम्हारी पत्नी वेदिका तो मर चुकी है ना जय, तो कैसा पाप और कैसा धन? मेरी पत्नी जिंदा है,
मिर्च के पानी के बाद ये नमक तुझे और दर्द और तकलीफ देगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा यह हवेली के किसी कोने में दहेज दासी धीरे धीरे इतनी दर्दनाक मौत मर रही है। चिंता ना कर दहेज दासी, यमराज जी आते ही होंगे। ये वीडियो देखो। उस बारे कहने पर जय मेरे तूने लिए थे। ये सच है जय, आपकी असली बेटी चुनरी चुनरी। जय जय और चुनरी की शादी हुई थी। वो तो ऐसा से मेरे की पत्नी नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.